हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको जॉब और अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जानकारी मिलती रहती है, तो आज मैं फिर से आपके लिए नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि आ रही है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने जो है कुछ दिन पहले ही PDPT और PGPT के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और क्या क्या जानकारी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो है यहाँ पे अपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है SECL अप्रेंटिसशिप, ऐसे लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो ये जो पहला वाला पेज है इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पेज है आपका अप्रेंटिसशिप वाले पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप पहला देखेंगे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन हिंदी, इंग्लिश, मेडिकल ओ फॉर्मेट, ये सारे फॉर्म्स। तो इन सारे फॉर्म्स को तो हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड होना ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखा है तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके बाद डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। हम जो है वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर गए क्योंकि किसी कारण से हम व्यस्त थे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट बोलता है कि नोटिफिकेशन फॉर अप्लाइंग टू ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग सच एज सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड माइनिंग। एंड हाँ, तो ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है किसके लिए है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। आपको पता होगा ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकलता है, तो ये वही है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में बात करें तो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्विंग वालों के लिए है। कितने साल के लिए, एक साल के लिए है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है। तो ये किसके अंडर में होता है, ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर में आता है, जो कि यहाँ पे 2014 में अप टू डेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, ठीक। ये जो है यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी क्या रखा गया है, ये जो है जो SC कैटेगरी है उनको 40% का रिजर्वेशन दिया गया है, ST को जो है यहाँ पर 23% को दिया गया है, और जो OBC है उसको 13% दिया हुआ है, और बाकी जो आ जाता है वो अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हिसाब से किया गया है। तो पहला जो है वो ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग PGPT के लिए कितना सीट है, यहाँ पर 200 सीट्स हैं, जहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे 100 सीट्स हैं, और OBC के लिए 26 सीट्स हैं, और SC के लिए यहाँ पे 28, और ST के लिए यहाँ पे 46 सीट्स हैं, ठीक है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग वाले जो भी पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए इतना सीट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करें तो 83 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में 41, OBC 11, SC में 12 और ST में 19 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTEC वाले जो हैं उनके लिए जनरल में 26 और OBC में 7, SC में 8 और यहाँ पे ST में 12 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 46 वैकेंसीज है टोटल, जो इसमें 23 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC जो है वो 6 वैकेंसीज है, SC के लिए 6 है और ST के लिए 11 वैकेंसीज है। अब मेन बात करते हैं PDPT के लिए, मतलब कि माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए। यहाँ पे जिन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या फिर माइनिंग एंड माइन सर्विंग में किया है तो उनके लिए यहाँ पे टोटल 1150 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल के लिए 575, OBC के लिए 149, SC के लिए 161 और ST के लिए 265 वैकेंसीज है। तो इस तरह से PDPT का टोटल हो जाता है यहाँ पे 1150 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी है गाइस, अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज है PDPT के लिए, क्योंकि बाकी सब्सिडी इतना कभी भी नहीं निकाल पाती। SECL है तो सबसे बड़ी सब्सिडी है, आपको पता है कोल इंडिया की, तो यहाँ पे इन्होंने इतनी वैकेंसीज दी हुई है। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल क्या क्या डिटेल है। बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू अप्रेंटिसशिप पोर्टल www.mhrdnats.gov.in। तो आपको पता है कि अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
mhrdnats.gov.in पे जा करके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आपका प्रोफाइल अप्रूव हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको फिल करना है। आपको इसका वीडियो जो है हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। देन अप्लीकेशन सेंड थ्रू पोस्ट और मेल और एनी अदर मोड विल नॉट बी एबल और एक्सेप्टेड, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे किस ऑनलाइन पोर्टल से ही अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करने के बाद जो है आपको इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाना है। इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, SECL सर्च कर लेना है। तो लास्ट में हम उसको बता भी देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मंडे 19 दिसंबर 12 मिडनाइट, है ना। तो ये जो है आपका लास्ट डेट कब है, यहाँ पे मंडे 19 दिसंबर को लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। आगे बोला गया है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड डिफेक्टिव एंड अनक्लियर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है आपका जो भी एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे आप कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए उसको देख लेते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट शुड होल्ड 4 ईयर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। जो ग्रेजुएट इन अप्रेंटिसशिप है उसके लिए जो है आपके पास 4 साल का डिग्री होना चाहिए बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में। अगर आप जो है यहाँ पे लेटरल वाले हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, माइनिंग एंड माइंस। इसके बाद यदि आपने जो है डिप्लोमा में भी आपको ने जो है 12th के बाद किया हुआ है, मतलब कि आपने लेटरल एंट्री लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 साल का हो जाता है, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। दूसरा बोला गया है कि कैंडिडेट शुड हैव अप्लाइड फॉर दी SECL ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल टिल मंडे 19 दिसंबर, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे इसके के पहले पहले अप्लाई करना है, तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलता है कि कैंडिडेट शुड हैव नॉट अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन अर्लियर, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या फिर MHRD से NATS पोर्टल से यहाँ पे यदि आपने पहले भी ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड एम्प्लॉयमेंट सर्विस एट एनी एस्टेब्लिशमेंट फॉर 1 ईयर और मोर। जो है आपको यहाँ पे जॉब नहीं करते रहना है, मतलब कि यदि आप गवर्नमेंट में यहाँ पे माइनिंग सरदार या फिर सेकंड क्लास मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट टू बी परसुइंग और कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट MTech क्वालिफिकेशन। आप जो है यहाँ पे PG या फिर MTech क्वालिफिकेशन पास नहीं हुए, मतलब करते हुए या फिर किए हुए नहीं होने चाहिए बोलता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है मेन परसुइंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन रेगुलर कोर्स करते करते आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको एक चीज़ छोड़ना पड़ेगा, या तो आपको अप्रेंटिसशिप छोड़ना पड़ेगा या फिर बीटेक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 18th ईयर ऑफ एज इन ऑन 19th दिसंबर 2022। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे 18 साल पूरा होना चाहिए किस डेट पे, इसके डेट के पहले पहले। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने जैसे कि बताया कि आपको जो है mhrdnats.gov.in पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जो है सारा फॉर्म फिलअप करना है, सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करना है। फिर उसके बाद जो है आप एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे जाएंगे और वहाँ पे SECL सर्च करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। डेट ऑफ इनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑन NATS पोर्टल इन बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वेस्टर्न रीजन। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो SECL है वो आता है वेस्टर्न रीजन में, मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग होता है PDPT और PGPT जो होता है वो रीजन वाइज होता है। जैसे कि अलग अलग कंपनीज हैं तो अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अलग अलग रीजन में बटी हुई है, ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न रीजन में बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना, ये सारे जो हैं जो वेस्टर्न रीजन में आते हैं। तो यहाँ के जो भी कैंडिडेट होंगे या तो आपका इस स्टेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर आपका क्या होना चाहिए,
इस रीजन में होना चाहिए। रीजन इट मींस कि आपको जो है उस स्टेट के कैंडिडेट होने चाहिए या फिर उस स्टेट का आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या बोल रहा है कि विल बी बेसिस फॉर दी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, ठीक। तो क्या बोला गया है कि डेट ऑफ इनरोलमेंट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो पहले कैंडिडेट ने इनरोलमेंट किया है उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हो सकता है 2 साल पहले जिन्होंने किया हो तो उनको ना मिला हो पीडीपीटी, तो उनको जो है पहले कंसिडर किया जाएगा। इट मीन्स कि 3 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंडर में देना ही देना होता है पीडीपीटी पीजीपीटी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे डेट ऑफ इनरोलमेंट के बेसिस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। आगे बोला गया है कि अर्लियर इनरोल्ड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड हायर, जो पहले इनरोल्ड कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे पहले मिलेगा। इन केस ऑफ टाई ऑन इनरोलमेंट इन द सेम कैटेगरी द डेट ऑफ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा पासिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड डेट ऑफ बर्थ विल बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाई ब्रेकर्स इन ऑर्डर फॉर प्रोविजन सेलेक्शन। क्या बोला गया है कि यदि आपका टाई हो जाता है, दो लोग का डेट ऑफ जो इनरोलमेंट है वो सेम हो जाता है सेम कैटेगरी में, तो आपका पहले क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा पासिंग। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या देखा जाएगा कि आपने जो है किस डेट पे पास किया है, जो पहले पास किया है उसको पहले कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ टाई, ठीक है। सेकेंड प्रायोरिटी क्या रखा गया है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, ठीक। तो सेकेंड बार में अगर मान के चलिए कि एक ही डेट पे दो कैंडिडेट ने यहाँ पे इनरोल किया है और उसी डेट पे जो है उनका जो ग्रेजुएशन है या फिर इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है वो उसी डेट पे पास किए, तो सेकेंड यहाँ पे क्या देखा जाएगा, आपका परसेंटेज देखा जाएगा और थर्ड में देखा जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे आपका प्रोविजनल सेलेक्शन किया जाएगा। बोला गया था प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन। इस क्राइटेरिया पे और ऊपर दिए गए रिजर्वेशन के बेसिस पे जो भी प्रोविजनल सेलेक्शन है वो किया जाएगा। टू सीनियरिटी लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर सेलेक्शन क्राइटेरिया विल बी प्रिपेयर्ड। क्या बोला गया है कि दो सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट लेवल 1 विल कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश स्टेट। देखो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। पहला जो लेवल होगा, लेवल 1 जो होगा वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए होगा, और सेकेंड लिस्ट जो होगा वो लेवल 2 के लिए होगा। विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैंडिडेट फ्रॉम सेकेंड लिस्ट विल बी गेट अपॉर्चुनिटी आफ्टर एग्जॉस्टिंग फर्स्ट लिस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो बोला गया है कि फर्स्ट लिस्ट में जो कैंडिडेट बच जाएंगे सेकेंड लिस्ट में वही लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ओके, द प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द दिसंबर लास्ट वीक ऑन द वेबसाइट ऑफ SECL। तो जो प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले यहाँ पे देख लीजिए कुछ लिखा हुआ है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर डिट्रेनिंग only after the verification of document and after found fit in the medical examination as per the provisions criteria and format prescribed in the mine rule 1955। देखिए कहीं भी आप जब आप माइंस ज्वाइन करते हैं, चाहे वो पीडीपीटी के तौर पे या फिर आप जॉब के लिए ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जिसको IME बोलते हैं वो जो है माइंस रूल के 1955 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। तो उसके अंडर में जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेंगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो कि असिस्टेंट सिविल सर्जन रैंक से कम रैंक के ऑफिसर का नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। नोटिफिकेशन को आगे रीड कर लेते हैं, तो वही बोला गया है कि इट इज़ मैंडेटरी टू ऑब्टेन द फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ रैंक नॉट लेस देन एन असिस्टेंट सिविल सर्जन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एंगेजमेंट एज द अप्रेंटिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेडिकल बनवाना है। कब बनवाना है, जब आपका नाम प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा तब। ऑल द इंटायर्स इन द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी क्लियर एंड एलिजिबल। सारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। द कैंडिडेट ऑफ द एनी टेस्ट रिपोर्ट शुड नॉट बी ब्लैंक।
सारा टेस्ट आपको कराना है और कहीं पे भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, सारा फिल होना चाहिए। द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट पेस्टेड ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वहाँ पे फोटो भी चिपका के रखना है। विच शुड बी साइंड एंड स्टाम्प्ड बाई एग्जामिनिंग मेडिकल ऑफिसर, फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड, वहाँ पे किसका स्टाम्प होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर का स्टाम्प होना चाहिए, ठीक है। ओके, जो मेडिकल फॉर्मेट अटैच किया हुआ है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर उसके अलावा कोई भी मेडिकल फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 9 जनवरी से लेकर यहाँ पे 30 जनवरी 2023 के बीच में होना है, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जो है प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट के बाद SSCL के वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द सेकेंडरी हाई स्कूल। ये आपके पास जो है यहाँ पे 10th का 12th का क्वालिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, मार्कशीट्स इन द इंजीनियरिंग और डिप्लोमा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है डिग्री और इंजीनियरिंग, डिग्री की है तो इंजीनियरिंग के सारे सेमेस्टर के सर्टिफिकेट होने चाहिए, और यदि आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है तो सारे सेमेस्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने जो है एग्रीगेट सर्टिफिकेट नहीं मंगाया हुआ है, डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं मंगाया हुआ है, तो आपका जो भी यहाँ पे सारे सेमेस्टर के इंडिविजुअल मार्कशीट्स होंगे और उसके साथ जो प्रोविजनल आपका सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। आगे बोला गया है कि आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC के केस में है तो आपका जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बोला गया है कि ऑन और बिफोर आफ्टर 1/4/2022, ठीक है, तो इसके बाद का होना चाहिए आपका, क्योंकि 1 ईयर पे वैलिडिटी होती है, तो इसके बाद का बनवाएंगे आप। सेंट्रल OBC कास्ट सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, उसी में आप जो है जो भी STM है या फिर कलेक्टर हैं या फिर जो भी तहसीलदार हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। अलग अलग स्टेट में उसका जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, तो आपका जो है बैंक अकाउंट जो है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए, तो बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए होगा आपको, आधार कार्ड चाहिए होगा, या आधार कार्ड में अपना नाम, आपके पापा का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये चारों चीज़ें सेम होनी चाहिए। दे शुड आल्सो ब्रिंग देम 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट, 4 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड नोटराइज्ड एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। यहाँ पे आपको मेडिकल के साथ साथ क्या रखना है, 4 जो है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी का सेट रखना है और एक एफिडेविट भी रखनी है। एफिडेविट नोटरी किया हुआ एफिडेविट होगा, उसका क्या फॉर्मेट है ये भी हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं पेमेंट वगैरह क्या रहेगा। तो जो है यहाँ पे आप स्टाइफंड के तौर पे जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उनको यहाँ पे 9,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है उनको 8,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे स्टाइफंड दिया जाएगा। आपको जो है यहाँ पे ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों में से किसी एक जगह पे यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। आपको TA DA नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है तो उसको भी देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार का दिक्कत जाता है, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गई नोटिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। अब चलिए कुछ डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं। और यदि आपको हमारे इस नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फॉर्मेट की बात करें तो मेडिकल फॉर्मेट आपको यहां से मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करें। ये देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है, इसमें क्या क्या फिल करना है ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में हॉस्पिटल के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम रहेगा, फिर यहाँ पर माइनिंग ट्रेड रहेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर NATS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है, ठीक, यहाँ पे एज रहेगा आपका, आगे ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें वहाँ हॉस्पिटल वाले भरेंगे, है ना। ओके, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपका देना है जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे स्टाम्प लगाया जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा किसका, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर का जो कि सिविल सर्जन रैंक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। प्लेस रहेगा, डेट रहेगा,
ठीक, ये सारी चीज़ें देख लीजिए, ये सारी चीज़ें टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें करा लीजिएगा। कोई भी ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा करके आप साइन करा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हैं तो अलग अलग साइन चाहिए होगा। यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं मेन, जो असिस्टेंट सिविल सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका सील और साइन रहेगा। और बाकी ऊपर में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर डॉक्टर हैं, उनका साइन रहेगा। यहाँ पे ये जो सिविल सर्जन रैंक या फिर मेडिकल ऑफिसर है, उनका नाम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा, टाउन रहेगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब रहेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट में आप बनवाएंगे तो ये नहीं वैलिड होगा। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बनवाना है। ओके, तो ये तो हो गई मेडिकल रिपोर्ट की बात या फिर मेडिकल फॉर्मेट की बात। आगे देख लेते हैं और क्या फॉर्मेट अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे एक एफिडेविट रखना होगा। एफिडेविट क्या है देख लेते हैं, है ना। और इसके साथ साथ कुछ चेकलिस्ट भी दिया हुआ है, चेकलिस्ट इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एफिडेविट डाउनलोड हो चुका है हमारा। ओके, देखिए एफिडेविट इसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बना पे स्टाम्प होगा 10 और 20 रुपीज़ का, उसी पे आपको ये सारी चीज़ें टाइपिंग करा के निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे पूरा एड्रेस रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट के लिए या फिर टेक्नीसियन जिसके लिए भी कर रहे हैं आप, उसको टाइप करा लीजिएगा। ये किसी एक के लिए होगा। यहाँ पे ब्रांच रहेगा, ब्रांच माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर जो भी है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल भर लेनी है। ठीक, ये देखो डॉक्टर का नाम भी यहाँ पे रहेगा, है ना। तो पहले आप जो है मेडिकल बनवाइएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे एफिडेविट का काम आप करेंगे। ठीक है गाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे साइन रहेगा और नोटरी किया हुआ होना चाहिए एफिडेविट। ठीक है, और एक चेकलिस्ट रख लेना है, इसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद ये जो है यहाँ पे, जब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाता है, NATS नंबर डाल लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिलेक्शन में आपका जो लिस्ट में नंबर हुआ है, सीक्वेंस नंबर है, उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। ठीक, एज पर हाई स्कूल 10th के बेसिस पे, फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा के बेसिस पे, आधार कार्ड के बेसिस पे और NATS पोर्टल पे जो अपलोड किया है वो। अपने पापा का नाम सेम चीज़ कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ कर लेना है और ये सारी चीज़ें कैटेगरी पे वो कर लेना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख देना है ना। कैटेगरी कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं इसमें टिक करते हुए जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या क्या रखे हुए हैं इसमें भी आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पूरे डॉक्यूमेंट की बात और नोटिफिकेशन की बात। अब चलिए देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जब आप NATS पोर्टल पे जाते हैं, NATS सर्च करेंगे, NATS तो मैंने सर्च कर दिया है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पे यदि आपने जो है पहले से इनरोल नहीं किया, तो इस यहाँ पे जा करके इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। और यदि आपने कर लिया है तो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद जो है फाइंड इस्टेब्लिशमेंट कर लेना है। फाइंड इस्टेब्लिशमेंट में SECL का नाम सर्च करके आप वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।